पदों का सृजन के बारे में अगर चर्चा करें तो ये पदों का सृजन 1809 पदों का बताया जा रहा है। लेकिन इन साथियों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में, और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार की एक ऐसी बहाली की प्रक्रिया जिसके इंतजार में लाखों छात्र अभी निगाहें जमाए बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएसएससी से आने वाली बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में। छात्र इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सूचना मिली थी कि 1300 के आसपास की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। ये वैकेंसी की संख्या लगभग 2000 के आसपास है, दो के आसपास की ये वैकेंसी है, लगभग 1800 से लेकर 2000 की ये वैकेंसी है। ये कंफर्मेशन न्यूज है जो कि आपको अपडेट करके बताया जा रहा है। लेकिन अभी बिहार में उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव होने के कारण क्या हुआ है कि ये अधिसूचनाएं जो कि नोटिफिकेशन है ये बीपीएसएससी को नहीं भेजा गया है अभी तक, तो कब तक भेजा जाएगा। अब बिहार में पदों का सृजन के बारे में अगर चर्चा करें तो ये पदों का सृजन 1809 पदों का बताया जा रहा है, लेकिन इनमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है। बीपीएसएससी विभाग के आयोग की तरफ से कुछ ऐसे पोस्ट भी जोड़े जा सकते हैं जो कि बिहार दरोगा के साथ अटैच किए जाते। तो अभी आपको बता दें कि 1809 पद जो है बिहार में दरोगा के पद के लिए वैकेंसीज के अपडेट हैं, और इसकी अधिसूचना जो है बिहार सरकार या गृह विभाग जो है बीपीएसएससी को भेजेगी। तो अभी गृह विभाग के पास सारा चीज है। अब जो अधिसूचना है बीपीएसएससी को मिलती है उसके अपडेट आने के बाद कम से कम एक हफ्ता या दो हफ्ता के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, क्योंकि जो भी अधिसूचनाएं आती हैं उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों के सुधार को लेकर बीपीएसएससी जो है सुधार करेगी और उस नोटिफिकेशन को फिर एक बार जीएडी को भेजेगी, और जीएडी जो है फिर यहां पर बीपीएसएससी को भेजेगा, और उसके बाद ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो सर इंतजार की घड़ी खत्म कीजिए, बताइए कब तक यहां पर वैकेंसी आ रही है। तो ये वैकेंसी देखिए मोस्ट प्रोबेबली इस साल आपकी वैकेंसी आएगी, और ये दिसंबर महीने के 15 तारीख से पहले नोटिफिकेशन आपके आ सकते हैं, क्योंकि अधिसूचनाएं जो है जीएडी के द्वारा अपडेट करके बीपीएसएससी को भेजना है, तो बीपीएसएससी जो है यहां पर इसको जारी करेगा अपने वेबसाइट पे भी। अब इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं, जरा हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है। तो आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपके पास उम्र सीमा 21 से लेकर यहां पर 37 साल तक का होना चाहिए, और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि जो भी छात्र इसमें फिजिकली फिट है वही आवेदन करेंगे, क्योंकि आपको यहां पर दौड़ भी है, हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह भी है, और चूंकि क्या है कि आपका दो पालियों में परीक्षा है, एक पीटी और एक मेंस, तो ये मेंस वाला ही जो है आपका सब कुछ है, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है। तो ये सारा जो है पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा जब ऑफिशियल अपडेट आएगा। तो अभी जो है अपडेट आने से पहले जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं इसमें बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर तक जो है आप लोगों का नोटिफिकेशन जीएडी के द्वारा जो है भेज दिया जाएगा बीपीएसएससी को, और बीपीएसएससी जो है यहां पर 15 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन आपका जारी कर सकता है। एग्जाम कब होंगे, तो एग्जाम भी आपका बता दे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जैसे आता है, 1 महीना तो फॉर्म भरवाया जाता है, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका ये एग्जाम डेट आ सकता है, यानी कि जनवरी लास्ट वीक से आ जाए या फरवरी के मिड वीक तक जो है आपका ये परीक्षा हो जाए। तो 15 फरवरी से पहले 2025 में ये बहाली की प्रक्रिया समाप्त भी कर ली जाएगी। ये सूचनाएं हैं हमारे पास जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 1275 उसको कंप्लीट करने में इन्होंने 1 साल लगाया, तो इस वैकेंसी को भी कंप्लीट करने में 1 साल लगेगा, और चूंकि आपको पता है कि अगले साल इलेक्शन है यहां पर 2025 नवंबर दिसंबर में बिहार विधानसभा का, तो उसको लेकर यहां पर जो है तैयारी है, जो भी नोटिफिकेशन है वो अब जारी किए जाएंगे। तो दिसंबर में ये शुरुआत हो रही है बिहार दरोगा की बहाली को लेकर, जहां पर 1809 पदों की वैकेंसीज के अपडेट आने वाले हैं जो सूचनाएं हमें मिल पाई हैं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और है यहां पर छात्रों के मन में, और छात्र ये अक्सर मांग करते रहते हैं यहां पर कि हमें जो है यहां पर हमारा क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर सेट आंसर की जारी किया जाए, है ना, और जो अभी हमारा कट ऑफ है उसको भी यहां पे बताया जाए कि कितना कट ऑफ आ रहा है या क्या भी चीजें हो रही हैं। तो इस चीज को लेकर जो हमारी नियमावली है उस नियमावली में ऐसी कोई भी चीजें नहीं अपडेट की गई थी कि छात्रों को जो है उनका जो है क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। तो इस बार अगर नियमावली में कुछ बदलाव होकर आता है तब जाके कहीं ना कहीं आप लोगों को आपका क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, नहीं तो पिछले पैटर्न के आधार पर ही ये परीक्षा होगी,
जहां पे आप छात्रों का यहाँ पर एग्जाम ओएमआर बेस लिया जाएगा और ओएमआर बेस के साथ साथ क्वेश्चन जो जमा हो जाता है आयोग में वो आयोग चला जाएगा, प्लस उसके बाद आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा और आंसर की और क्वेश्चन के साथ आंसर की जारी करने का अपडेट है। तो यहां पर बता दें कि देखिए आपका आंसर की जारी किया जा सकता है आयोग की तरफ से और उसके बाद आपको आपत्ति करने का मौका भी दिया जा सकता है अगर त्रुटि होती है, अगर लगता है ऐसा कि आयोग ने इस चीज पे गलत इंफॉर्मेशन दिया है, गलत आंसर दिया है, तो आप उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं। तो ये सूचनाएं हैं यहां पर कि अभी आपका आंसर की और क्वेश्चन नंबर जो जारी किया जाता है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर की वो जारी हो सकता है, वो आपको सूचनाएं मिल सकती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बुकलेट को लेकर अगर आप बात करिएगा तो इसमें नियमावली को ही बदलना पड़ेगा, है ना, नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा कुछ, तो वो चीजें होंगी तभी जाके कहीं ना कहीं होगा आपका ये बदलाव। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, बिहार बीपीएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन दिसंबर महीने में आ सकता है 15 तारीख से पहले, ये सूचना है। 1800 पदों पर यह बहाली की प्रक्रिया आ सकती है, 1800 से मैं तो कह रहा हूं कि 2000 के बीच का ये संभावना है, क्योंकि कुछ ऐसा विभाग भी है जैसे कि निगरानी विभाग हो गया, है ना, विजिलेंस विभाग जिसको कहते हैं, या फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का विभाग हो गया, वो भी अपना जो है वैकेंसी इसमें जोड़ सकता है लोग। तो यहाँ पे अगर अधिसूचनाएं मिलती हैं तो ये 1800 से लेकर 2000 के बीच में नोटिफिकेशन आने की अपडेट है, संभावनाएं हैं। अब कितना वैकेंसी आ रहा है ये आपको दिसंबर महीने में पता चल जाएगा। लेकिन जो भी छात्र बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम YT एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए, वहां पे जल्द ही आप लोग का इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अपडेट करते हैं हम लोग, है ना, तो आप अपना प्रैक्टिस वहां पे जम के कर सके। और जैसा कि पिछले बार जितने भी बहालियां आई हुई हैं उन बहाली की तैयारियों में हम आपके साथ जुड़े हुए थे और उन तैयारियों में रिजल्ट भी आए थे जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक नई शुरुआत करने का आपको मौका मिल रहा है, तो जो भी छात्र दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।